हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और ये है लेक्चर टू रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नीट PYQs विद क्विक कॉन्सेप्ट। तो हम जल्दी जल्दी पर्टिकुलर टॉपिक से क्विक कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उनसे रिलेटेड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और या फिर NCERT से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि NCERT से ही नीट उठाता है क्वेश्चन, इसलिए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F/Q। ये होता है ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। तो अगर ये चार्ज क्यू है तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, F/Q। तो इसी में हम पहला डिस्कस करते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, पहले F=Q या फिर E=1/4πε0Q/R² और KQ/R² तो ये आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट यहां से देख सकते हैं, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, देयरफॉर यूनिट हो गई हमारी न्यूटन पर कूलम। तो अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से। तो क्वेश्चन है हमारा AIPMT 2015 का, तो मैं यहाँ पे नीट लिख देता हूँ, नीट 2015। क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E=AR, a charge contained in a sphere of radius a centered at origin of field will be given by। तो यहां पे हमें क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E=AR, मतलब एक कोई रीजन है, यहां पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है AR की इक्वल। अ चार्ज कंटेन इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस है, अब कोई स्फेयर है और इसमें एक कोई चार्ज है, इसका रेडियस है ए। चार्ज कंटेन सेंटर्ड एट ऑरिजिन, ऑरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन, मतलब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है और फील्ड का ऑरिजिन भी यही है, मतलब ये क्यू चार्ज अपने अराउंड फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो एट ए डिस्टेंस पे हम फील्ड क्या बताएंगे, E=KQ/R, आर हमारा क्या है A², तो KQ/A² आ जाएगा। और एट, क्योंकि हमें ये रिलेशन दिया गया है E R के साथ, डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है AR के इक्वल, तो हम यहाँ पे निकाल लें कि E at
ए कितना आ गया, ई एफ ए हमारा आ गया ए इंटू ए। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ई की, तो हमें गिवन था क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ दिया गया है ए आर, और एक कोई चार्ज है जो स्फीयर के सेंटर पे रखा है और जिसका रेडियस है ए, तो हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसी भी चार्ज की वजह से हो एट आर डिस्टेंस, हमारा क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे है ए के इक्वल, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है ए, हमें पता चल गया ए इंटू आर की जगह हमने ए रख दिया, तो अब यहाँ पे आ गया ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे ई की जगह, तो ई की जगह लिखा हमने ए इंटू ए इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास ए इंटू ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा ए क्यूब। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर अभी अपॉन में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ गया हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा आज अचार्ज्ड ऑयल ड्रॉप इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 3 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर, सो दैट इट नाइदर फॉल्स नॉर राइजेस। हमें निकालना है चार्ज ऑन ड्रॉप, मास ऑफ चार्ज दिया गया हमें 9.9 × 10⁻¹⁵ kg, और जी की वैल्यू दी गई है 10 m/s². अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, अ चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप। ए चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप है, मान लिया प्लस क्यू चार्ज्ड है, इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 3 × 10⁴। ई की वैल्यू 3 × 10⁴, मतलब ये चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवेन है। ओके, सो दैट इट नाइदर फॉल्स नॉर राइज। अब इस चार्ज को अगर नीचे भी नहीं गिरना है और ऊपर भी नहीं जाना है, इस चार्ज का पहली बार वेट होगा एम जी, तो ये नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ना ऊपर जा रहा ना ही नीचे, मतलब एक कोई फोर्स इसे बैलेंस कर रहा होगा, और वो फोर्स होगा हमारा यही इस चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, जो कि लगेगा क्यू ई। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्यू ई इक्वल टू एम जी, ये हमने निकाला फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन चार्ज, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, या फिर वेट ऑफ द चार्ज। क्यू इक्वल टू एम जी से हमारा क्यू आ जाएगा एम जी बाई ई, तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारी, एम की वैल्यू है 9.9 × 10⁻¹⁵ इंटू जी की वैल्यू हमारी 10, ई की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁴, 3 × 10⁴। तो यहाँ पे दिख रहा 3.3, 3 3 9, 3 3 9, तो 3.3 × 10⁻¹⁵ प्लस
ये 10 की पावर 1 और 4 ऊपर जाएगा माइनस 4, तो यहां पे क्या हो गया माइनस 15 और माइनस 4 माइनस 19 प्लस 1 तो 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम्ब आ गया आंसर।